रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज सभी को जुम्मा मुबारक हो। तो आज आलू ले लें, आलू आए पराठे बना, लेकिन दोपहर का टाइम ही 12:30 हो रहा, जुम्मा हो रहा। सूजी, मैदा, नमक, मिर्चा, मसाले सारे काम करते हैं। इस तरह पहले मैदा छान लवो, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सूजी भी छान लवा मैं, पहले मैदा छान लिया, सूजी छान लवा। हाँ जी, अज जुम्मा, हाँ जी जुम्मा जुम्मा। मर्चा पाई ने मैं, एक चम्मच मर्चा भी पाई पा रही। बहुत ही मजेदार सूजी के पराठे बनते हैं। आलू वाले सूजी के पराठे लवा जरा, जुम्मा हो रहा मैं बोल लैनी हूँ, बोल के तो मैं 10-15 मिनट वास्ते रख लें। आटा मेरा गुज गया, 2 चमचियाँ बच्चे मैं ओल्डियाँ पाई सी, धनिया पाया सी, हरी मिर्च 4-5, 2-3 कुट के पाइया सी, धनिया पाया। ये बगैर चीज़ा मैं जरा जल्दी सी बच्चों को अकैडमी तो लैन जाना से अपने बच्चे ने सोया तो मैंने जरा काली सी जल्दी जल्दी मैं गुट के चली गई है। ठीक है, धनिया तो हरिया मिर्चा भी कुट के पाइया सी, घी पाया सी 2-3 चमचियाँ बच्चे अच्छी तरह वेल लैनी है रोटी। बिठा लैनी है धनिए की, बस
करके इस तरह सारे मैं पेड़े करके ना प्लेट के रखी। पेड़े मेरे तैयार हो गए, बना के मैं रख लैन लगी हाँ। हूँ इन्हों को 10-15 मिनट तक ना इन्होंने इस तरह छड़ दें गे। तो इसके बाद हल्का हल्का घी ला देंगे तो चिकन नंबर हम जब 10-15 मिनट तक इन ढकन लगी उस तो बाद परांठे तैयार करा जेड़ा हम मैं बना लगी रोटी। इसी तरह ना ला लेनी इसी तरह थोड़ी थोड़ी बहुत कर लाँगी मैं रोटी। थोड़ी जी हाथ ना ही ना बना लाँगी इसी तरह मैं सारिया रोटियां ना बना बना के रखी थी। देखो प्लेट के ना मैं इसी तरह रोटियां किन्ने करके ना रख लूँगी। गया गरम काफी गरम हो गया हूँ मैं रोटी पकान लगी होते मेरा पराठा सूजी वाला बार वाला पराठा बहुत ही अच्छा पराठा ला रही हूँ मैं घी बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता सूजी का आलू वाला पराठा आप ट्राई करना। मैं ना बना लाँगी पराठा थले लाइट थोड़ी जी मैं हल्की रखी है क्यों ज़्यादा तेज की लाइट तो पराठा सड़ जाएगा। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बने बाल भी देखे किन्ने प्यारे बने अच्छा पराठा बहुत ही मज़ेदार बने सूजी दे आलू। हाँ जी पराठे मेरे बन के तैयार हो चुके हैं बहुत ही मज़ेदार बने ने सूजी और आलू के पराठे ने खाना और ट्राई करना बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं बना लेना बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं बनाती है बहुत ही मज़ेदार ठीक है। ऐसी रेसिपी मेरे पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए।